गाइस, मैं निधि चौधरी, मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल। दाल बहुत अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, पर आज हम बनाने जा रहे हैं गुजराती दाल। मीठी दाल मेरे हस्बैंड को भी पसंद आने लगी है, तो पहली दाल मैं आपको उसी दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि गुजरात में दाल कैसे बनाई जाती है। तो चलो दाल बनाना स्टार्ट। आज हम गुजराती दाल बना रहे हैं। तो गुजराती दाल में मोस्टली तुअर की दाल यूज़ होती है। तो मैंने तुअर दाल लिया है, उसको धो के मैंने रखा हुआ है। अब उसको हम बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में ऐड कर रहे हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, एक ग्लास के करीबन, एक या डेढ़ ग्लास के करीबन। हमको ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, डेढ़ ग्लास भी नहीं लिया मैंने, थोड़ा सा पानी छूट गया है। और इसमें अब ऐड करेंगे एक चम्मच नमक, हल्दी एक आधी चम्मच, कम तीन सीटियाँ लगानी है। तीन सीटी में अपना तुअर दाल आराम से बॉईल हो जाएगा, आपको ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, बस तीन सीटी काफ़ी है। तो अपने आप चढ़ा देते कुकर को, गैस पे चढ़ा दिया है। और तीन सीटी के बाद अपनी दाल बनाना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, अपना दाल बॉईल हो चुका है। देख सकते हो आप कि अपना दाल बॉयल हो चुका है एकदम। और अपने अब क्या करेंगे, इसको पीस देंगे। गुजराती में दाल पीसते हैं, मोटा नहीं रखते। तो इसको मैं ग्राइंडर की मदद से पीस रही हूँ। आप वो छलनी आता है उसकी मदद से भी पीस सकते हो। सो गाइज, अपना दाल अब पीस के रेडी हो गया है। तो इसको मैं एक जहाँ जिसमें बॉयल करना है उबालेंगे हम दाल, उसी में निकाल लूँगी। गुजराती में इतना गाढ़ा दाल नहीं खाते, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, आधा ग्लास के करीब। और अब इसमें हम सारे मसाले करेंगे। इसमें ऑलरेडी नमक और हल्दी पड़ा हुआ है, तो वो नहीं डालना है अपने को। अपने को सिर्फ डालना है लाल मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला। हम इतने मसाले करते हैं गुजराती में। और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए आप। अब अपने ऐड करेंगे इसमें एक टमाटर मीडियम साइज का, एक हरी मिर्ची। अब अपने ऐड करेंगे इसमें गुड़, क्योंकि गुजराती दाल थोड़ी सी मीठी रहती है, तो अपने हिसाब से आप गुड़ ऐड करेंगे, आपको जितना मीठा पसंद हो। गैस जला दिया है। अब इसमें आप ऐड करेंगे ऑयल, टू या थ्री टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे इसमें अपने। इसमें पहले हम डालेंगे मेथी दाना और सरसों, या राई भी बोल सकते हो आप। अपनी राई तड़कना स्टार्ट हो गई है, तो अब इसमें अपन डालेंगे एक चम्मच जीरा, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च और तेज पत्ता। और उसके बाद हम उठा लेंगे इसको और हींग डालेंगे और लाल मिर्च फिर से डालेंगे इसमें तड़के में, और इसको अच्छे से ऐसे मिला लेंगे। ये तड़का अपना रेडी हो गया है। और इसको अपने सीधे डालेंगे दाल में। देखो ऊपर से तड़का कितना सुपर दिख रहा है, दिख रहे हो ना आप कितना मस्त दिख रहा है तड़का अपना। ये गुजराती दाल का तड़का है जो दाल के ऊपर से घी डाला जाता है। अब अपने तड़के को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देख लो अब
अपने अभी कंसिस्टेंसी पानी मैंने ऐड किया है तो एकदम पतली हो गई है दाल। गुजराती दाल मोटी नहीं होती है, पतली ही होती है। तो थोड़ा सा आपने इसको उबालेंगे तो उसके बाद आपको दिखाऊंगी कितनी इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी चाहिए। अभी थोड़ी पतली है, इसको थोड़ा सा उबलना है। तो अपने गैस ऑन कर देते हैं और इसको मीडियम आंच पे इसको उबलने देते हैं। अपने ऐड करेंगे इसमें धनिया पत्ता, थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से गार्निश के लिए रखेंगे अपने। अब इसको थोड़ी देर ढक के रखेंगे, ढक के रखेंगे तो जल्दी उबल जाएगी दाल। बस अब पूरा ढकना मत, बस इतना थोड़ा सा खुला रखिएगा। देखिए अपनी दाल एकदम रेडी है। देखिए ज़्यादा मोटी नहीं है, ज़्यादा पतली नहीं है, एकदम कंसिस्टेंसी सही है। आप भी ऐसी दाल बनाइए और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। ये एकदम गुजराती दाल है, एकदम खट्टी मीठी दाल लगेगी आपको। इसको अब हम बाउल में निकालते हैं। आप देखिए तो देखिए अपनी गुजराती दाल एकदम रेडी है, कितनी मस्त लग रही है। इसमें मैंने गार्निश के लिए थोड़े ऊपर से धनिया पत्ते डाले हैं। तो अपनी दाल बन के रेडी है, तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हो और चावल के साथ भी खा सकते हो। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर टैप करिएगा। तो धन्यवाद।